हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फ्रीक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया लेकर आता हूं मैं, या तो फिर आपको ऐसा कोई सलूशन दिखाता हूं जो कि हमारे स्टूडेंट काम किए हैं या तो फिर हमारे पास कोई टीचर काम किए। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स अभी नहीं है, क्योंकि हमारा जो बैच है नेक्स्ट बैच 27 अक्टूबर से हमारा स्टार्ट होने वाला है बैच। तो अभी हम लोग तैयारी में है, सारा सब कुछ रेडी है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा टीवी मल्टीमीटर सब कुछ यहाँ पे रेडी है। हर बार कुछ ना कुछ नया करते हैं, इस बार भी आप देख सकते हैं मल्टीमीटर वगैरह स्टूडेंट्स को डायरेक्ट दिखेगा एलसीडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम के लिए एक अलग से टीवी है, जो हैंड स्किल का काम करते हैं उसके लिए एक अलग से यहाँ पे टीवी लगा के रखे हैं। सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, जो हम लोग यहाँ पे टूल्स देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक माइक्रोस्कोप और एक अच्छा SMD, सस्ता टिकाऊ और अच्छा SMD, बिल्कुल सस्ता भी नहीं है, 5 से 6 हज़ार के बीच में ये SMD आता है आपको, ये आप ले सकते हैं। आयरन आप देख सकते हैं, जो आयरन हम लोग दे रहे हैं T12 का आयरन है, इसका बिट वगैरह K-बिट आती है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं हर बैच में यहाँ पे आपको एक नया बिट देते हैं और एक DC मशीन और एक आपके पास मल्टीमीटर होगा और एक चार्जिंग का इस तरह का स्कीमेटिक का यहाँ पे पोर्ट होता है। तो ये सारा स्टूडेंट्स के लिए ही है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हम लोग एक लैपटॉप भी यहाँ पे दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हर दो स्टूडेंट के बीच में एक लैपटॉप होगा, जिसके अंदर आपको बॉर्नी और डायग्राम वगैरह हम डाल के देते हैं, जिससे आपको यूज करने में, सर्किट को समझने में, लाइन को ट्रेसिंग करने में बहुत आसानी होगी। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, सर्किट डायग्राम पढ़ाते हैं। इस LCD में मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको सारी चीजें बताता हूँ। तो ये 75 इंचेस का LCD बहुत आसानी से समझ में आ जाता है बच्चों को। साथ ही साथ जो LCD में बताता हूँ वो यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताता हूँ कि लाइनों को कैसे आपको सर्किट को समझना है, कैसे डिवाइडर सर्किट को समझना है, कैसे चार्जिंग सेक्शन काम करता है, क्या क्या लाइन होती है, चार्ज LDO, VCDT, IMT लाइन, I2C सप्लाई, उसमें VBUS क्या इनपुट होता है और PMID आउटपुट क्या होता है, VPS क्या होता है, बूट कैप क्यों सीरीज में लगाया गया है, VPS कॉइल क्या होता है, VBAT कब आउटपुट निकलता है, स्विचिंग लाइन क्या होती है, VS वायरस लाइन क्या होती है। तो एक एक चीज को यहाँ पे डिटेल में बताया जाता है। जितने भी सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन हो या पावर सेक्शन हो, लाइट सेक्शन हो, ग्राफिक सेक्शन हो, डेड मोबाइल में क्या क्या आपको चेक करना है, बक लाइंस, LDO लाइंस कैसे बनती है, CPU कब कोड बनाता है, सारी चीज यहाँ पे बताई जाती है, तब जाकर के एक बच्चा अच्छे लेवल पे काम कर सकता है। आप देख सकते हैं फुल्ली AC यहाँ पे हमारा लैब है, यहाँ पे एक AC लग के है, यहाँ पे भी एक AC लग के है, जैसा आप देख सकते हैं वहां पे आगे भी एक AC लग के है। इसके अलावा एक्स्ट्रा में हमने फैने यहाँ पे लगा के रखा है, ताकि फ्रेंड्स किसी भी स्टूडेंट को पढ़ने के टाइम पे कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो। चेयर्स आप देख सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के चेयर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डिनरी चेयर बिल्कुल भी हम नहीं लेते हैं। बाकी फ्रेंड्स हर स्टूडेंट के पास आप देखेंगे इस तरह का एक मैकेनिक का पोर्ट होता है, ये वाला आप देख सकते हैं, जिसे हम बैटरी ना हो तो हम इससे हम ऑन करते हैं, इसे केबल कहते हैं, पावर बूट केबल जिसे कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं Type-C एक केबल देते हैं, नॉर्मल केबल भी हम देते हैं। और एक बार यहाँ पे बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो डेस्क है, जो स्टूडेंट अपने साथ कुछ सामान लेके आते हैं तो इसमें वो अपने मोबाइल्स रख लेते हैं, जो भी वर्क करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए लाते हैं, जो हम प्रैक्टिस के लिए उनको देते हैं, तो यहाँ पे इसको वो लॉक लगा के अपने पास रख लेते हैं। और हर एक के पास अपना एक मल्टीमीटर होता है सनशाइन का, जैसा आप देख सकते हैं। तो ये महंगे वाले मल्टीमीटर है, एकदम ऑर्डिनरी मल्टीमीटर हम बिल्कुल भी नहीं देते। जितने भी स्टूडेंट्स के पास आप देखेंगे सबके पास एक अपना मल्टीमीटर होता है। तो ये सारी चीज है, ट्वीजर से लेके PPT पेस्ट सब कुछ हम यहाँ पे उनको सारा ब्रांडेड देते हैं, ताकि फ्रेंड्स उनका रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से आए। दोस्तों ये फोन फ्रीक्स हैदराबाद में सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि उनको अच्छे टूल के साथ काम कराया जाता है, उनको काम करने का तरीका सिखाते हैं, उनको बिजनेस करने का तरीका सिखाते हैं, उनको पैसा कैसा ज्यादा कमाना है, कस्टमर से क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है, फॉल्ट आ जाए तो उसका कितना पैसा ले सकते हैं और कौन से टूल्स काम सीख कर जाने के बाद लेने चाहिए, सब कुछ यहाँ पे बताते हैं। मतलब समझ लीजिए आप, ये पूरी तरह से एक बिजनेस करने का एक बहुत ही अच्छा आपके पास एक यहाँ पे एक सुविधा दी जाती है, आपको समझाया जाता है कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको बोलेंगे कि जॉब करिए, दोस्तों ये काम सीखने के बाद में जॉब करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहता है, आपको किसी के पास जॉब के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग का आज के टाइम में ऐसा काम है जो काम सीखने के बाद कोई बंदा जॉब नहीं करता है।
बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपको जॉब ऑफर करेंगे, जॉब भी दिलाएंगे, काम सीखने के बाद बताएंगे। फ्रेंड्स हमारे पास जितने बच्चे, 1000 से ज्यादा बच्चे सीखकर जा चुके हैं और कोई भी किसी के पास जॉब नहीं करता है फ्रेंड्स, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में मिनिमम से मिनिमम एक हैंडसेट अगर आप रिपेयर करते हैं तो 500 से 1500 रुपए आप कस्टमर से ले सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल जो होते हैं वो 5000 से लेकर 20000, 25000, 30000 के रेंज के होते हैं, जिसमें कस्टमर 500 रुपए 1000 रुपए लगाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। ये एक कारण है फ्रेंड्स, कोई भी बंदा ये काम सीखने के बाद किसी के भी पास जॉब नहीं करता है। आप लिख के रख लीजिए, अगर कोई आपको जॉब की लालच देके बुला रहे हैं, कहीं पे काम में देके अगर आपको बुला रहे हैं, तो बिल्कुल फेक बात है, आप किसी के भी पास जॉब नहीं करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप फ्लिपकार्ट पे, अगर आप फ्लिपकार्ट पे या कहीं और के पास आप काम करते हैं, अमेजोन वगैरह में अगर आप काम करते हैं जो रिपेयरिंग का काम, तो वो आपको 15-20 हज़ार से ज्यादा सैलरी बिल्कुल भी नहीं देने वाले, और आप खुद का काम करेंगे। दोस्तों ये जो सेटअप होता है इसकी लागत बहुत कम है, इतना काउंटर बनाने के लिए आपको 50,000 के अंदर सामान लग जाता है, उससे ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो लागत बहुत कम है और आमदनी बहुत ज्यादा है, लागत कम है और आमदनी बहुत ज्यादा है, यही एक कारण है कि कोई भी टेक्नीशियन किसी के पास काम नहीं करेगा। नॉर्मल सा चार्जिंग पिन डालने के भी 200-300 रुपए ले लेते हैं, डिस्प्ले वगैरह डालने के 400-500 रुपए ले लेते हैं, डेड मोबाइल वगैरह बनाने के लिए फ्रेंड्स आराम से आप 1000 से 1500-2000 रुपए आराम से ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे डुअल डेकर का काम सिखाते हैं, जिसके 2000 रुपए आप सैमसंग के किसी भी हैंडसेट पे 2000 रुपए इजिली आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काम जो है, ये बिजनेस जो है, बहुत ही कम पैसा खर्च करके आप काम सीख सकते हैं और महीना दो महीने के अंदर आप एक अपना खुद का बिजनेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार कॉल करके जरूर पूछ लीजिएगा हमसे कि कैसे आपको काम करना है। हमारे यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, 20 दिन की पूरी ट्रेनिंग दे करके आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनाते हैं, हैंड स्किल का काम और सर्किट की नॉलेज देते हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं। दोस्तों ट्रेनिंग के बाद हम एक साल का आपको सपोर्ट देते हैं, आप कॉल करके व्हाट्सअप करके आप सपोर्ट ले सकते हैं कि टूल्स कौन से लेने हैं, काम कैसे करना है। अगर आप काम में कहीं पे फंस रहे हो तो भी हम सपोर्ट देते हैं, दोबारा आने का ऑफर है, 2-3 महीने बाद दोबारा आकर अपना आप जो भी डॉट्स है वो सारे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है phonefixhyd.com की, वेबसाइट का हम 2 महीने के लिए एक्सेस फ्री देते हैं। अगर आप ऑनलाइन उसको परचेस करेंगे 10,000 रुपए फीस है हमारे ऑनलाइन कोर्स का, वो कोर्स भी हम हमारे सारे स्टूडेंट को फ्री देते हैं, जो कि सीख कर जाने के बाद में अगर कुछ भी डाउट्स रहते हैं, कुछ भूल चुके हैं आप, तो जाने के बाद हमारी वेबसाइट के थ्रू आप सारा का सारा कोर्स रिवाइज कर सकते हैं। उसमें हैंड स्किल प्लस सर्किट की नॉलेज दोनों भी, डायग्राम प्लस हैंड स्किल का दोनों के वीडियोस होते हैं, कैसे लाइन को ट्रेस करना है, कैसे फॉल्ट को फाइंड आउट करना है, कैसे आईसी को रिवॉल्व करना है, सब कुछ बताया जाता है। तो ये एक कारण है फ्रेंड, दोबारा आपको किसी और इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको PhoneFix हैदराबाद कभी छोड़ता नहीं है आपको। दोस्तों हमारी गारंटी है 3 दिन के अंदर 4G CPU आपसे डन कराएंगे, 4G का ऑन फोन का CPU निकलवा के आपसे लगाएंगे, 6 दिन के अंदर ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड CPU बहुत इजी तरीके से आप कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। और 15 दिन के अंदर डबल डेकर का फोन आपको हम बोर्ड हम ही देते हैं, यहाँ पे बोर्ड भी दिया जाता है आपको, कैसे खोलना है, कैसे रिवॉल्व करना है, कैसे लगाना है, सब कुछ हम लोग बताते हैं, यही सारी चीज है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं PhoneFix हैदराबाद के अंदर। अगर आप ना सीखें फ्रेंड्स तो ये हम आपका हाथ बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, 20 दिन से ज्यादा भी अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। तो यही एक कारण है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई बच्चा सीख के ना जाने की बात ही नहीं होती, क्योंकि 0 लेवल से हम लोग काम सिखाते हैं और सुपर एडवांस लेवल तक उनको लेकर जाते हैं। और दोस्तों कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट आप चले जाइए, 20 दिन में 15 दिन में महीने भर में 2 महीने में आप मास्टर बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, मिनिमम से मिनिमम 6 महीने आपको देने होते हैं। हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स हम तरीका बताते हैं, हैंड स्किल का काम किस तरह से किया जाता है ये आपको सिखाते हैं, डायग्राम को रीड कैसे करना है वो आपको सिखाते हैं, कहाँ पे कितना वोल्टेज कब आता है, प्राइमरी वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज क्या है, सेक्शन एक्टिव होने के बाद क्या वोल्टेज आते हैं ये हम आपको बताते हैं, सिग्नल कब आते हैं, कितने सिग्नल आते हैं, कहां से आते हैं, कैसे चेक करना है, DSO का कैसा इस्तेमाल करना है ये हम आपको बताते हैं। तो क्या फ्रेंड्स फॉल्ट आ जाए तो कहां पे काम करना है ये हम आपको बताते हैं, कि कौन से सेक्शन में आपको जाना है,
आईसी चेंज करनी है तो क्यों चेंज करनी है, कंपोनेंट आपका ओपन हो गया है तो कितने वैल्यू का कंपोनेंट था, कौन सा लगाना है, ये हम आपको बताते हैं। लाइन शॉर्ट हो चुकी है तो किसकी वजह से शॉर्ट हो चुकी है, कंपोनेंट की वजह से शॉर्ट हुई है या आईसी की वजह से शॉर्ट हुई है, ये हम आपको बताते हैं। ट्रैक ब्रेक हो चुकी है, कॉम्पोनेंट ब्रेक हो चुका है, आईसी लीक हो चुकी है, ड्रॉप डाउन केस है, आईसी लगा के रिवॉल्व करना है कि ट्रैक आपको बनाना है, ये यहाँ पे फोन फिक्स हैदराबाद आपको सिखाता है। दोस्तों ये हमारा लैब, अगर आपको आना है आ सकते हैं। नेक्स्ट बैच हमारा 27 नवंबर से है और अभी 27 अक्टूबर का बैच शुरू होने वाला है। अगर आप चाहो तो कॉल करके अपनी सीट बुक करा के आ सकते हैं और एक अच्छा प्रोफेशनल वे में काम सीख कर अपने आप को आगे लेकर जाए, अपने बिजनेस को आगे लेकर जाए, अपनी इनकम को, अपने बैंक बैलेंस को आगे लेकर जाए, बढ़ाए उसको, अच्छे से काम करे। और अच्छे से काम करने के लिए फ्रेंड्स आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट में आना होगा। अगर आप चाहें तो फोन पे हैदराबाद आ सकते हैं। इंडिया के अंदर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। अगर आप सालों से काम कर रहे हैं फिर भी आपके पास काम वापस जाना है तो आपको जरूरत है ट्रेनिंग लेने की। अगर आपके पास डेड मोबाइल आ रहे हैं और आप वापस दे रहे हैं तो आपको जरूरत है ट्रेनिंग लेने की। अगर आपके पास फॉल्टी मोबाइल आ रहा है, कस्टमर तो आ रहा है लेकिन आप काम करके दे नहीं पा रहे हैं, कस्टमर का सेट रिटर्न दे रहे हैं या किसी और दुकानदार को लेकर जाके दे रहे हैं, तो जरूरत है आपको ट्रेनिंग लेने की। तो दोस्तों सोचिएगा मत, कॉल उठाइए, व्हाट्सअप करिए, आज ही जुड़ जाइए फोन फिक्स हैदराबाद के साथ। 10 घंटा आपके पीछे मेहनत करते हैं, सुबह 10:30 बजे से रात में 9 बज जाते हैं, 8:00 बज जाते हैं, आपके साथ रहकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपके हैंड स्किल को बेटर करते हैं, आपकी सर्किट की जो नॉलेज है उसमें हम लोग उसको कैसे समझना है, कैसे फाइंड आउट करना है फॉल्ट को, ये आपको हम बताते हैं। बहुत इजी तरीके से आप लाइनों को ट्रेस कर सकते हैं, फॉल्ट तक पहुंच सकते हैं, आईसीओ की डाटा शीट बना सकते हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पे कोर्स में सिखाई जाती है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए मैं इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल पे काफी सारे सॉल्यूशंस के वीडियोस हैं, जाकर देखिए, बहुत सारा कंटेंट डाले, इतना कंटेंट किसी भी ट्रेनिंग सेंटर वाले ने अपने चैनल पे नहीं डाला है, उतना कंटेंट हमने डाला है, आप देख देख कर भी काफी कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं, जो हम बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं वो लोग क्या काम कर रहे हैं जाने के बाद, वो भी हम फेसबुक पे डेली पोस्ट डालते हैं, उनके भी पोस्ट जाकर देखिए, बच्चों को सपोर्ट करिए, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि ताकि वो और भी मेहनत करके अपने काम में आगे बढ़े। आप जाकर देखिए हजारों बच्चे हैं जो जिनका डेली में पोस्ट डालता हूँ फेसबुक पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे या फिर यूट्यूब पे, हम बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चे कैसा काम कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करिए, उनको भी मोटिवेट करिए। जिस तरह से आप हमारे फोन पे हैदराबाद की टीम को प्यार देते आए हैं, जैसा अपना प्यारा सा कमेंट देते आए हैं, लाइक करते आए हैं, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और हम खूब मेहनत करके जितने टेक्नीशियन भाई है इंडिया के अंदर सबको एक अच्छा प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाने की कोशिश करते रहेंगे, नए नए सर्किट लाते रहेंगे, नए नए सॉल्यूशंस लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।